नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। नोएडा में मान्यताओं कंपनी पर 4 जनवरी 2024 को मजदूर नेता सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा पर किए गए जानलेवा हमले के दोषी मैसर्स मान्यताओं इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 22 उद्योग विहार ग्रेटर नोएडा कंपनी प्रबंधक व सहायक प्रबंधक ठेकेदार गुंडों एवं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई एवं नियम कानूनों का उल्लंघन कर दिए गए ठेकेदारी के लाइसेंस को रद्द कर ठेके में लगे सभी श्रमिकों को कंपनी के रोल पर करवाने की मांग को लेकर 20 जनवरी 2024 को इंटक नेता संतोष तिवारी एटक नईम एचएमएस आरपी सिंह व रितेश कुमार झा एक्टू अमर सिंह यूटीयूसी नूर आलम टीयूसीआई उदय चंद्र झा यूपीएलएफ राम नरेश यादव भालियू शेर सिंह एसवीएस विनोद कुमार सीटू नेता रामसागर रामस्वारथ पूनम देवी मुकेश कुमार राघव राजकरण सिंह इशरत जहां जनवादी महिला समिति के नेता रेखा चौहान गुड़िया देवी आदि के नेतृत्व में मजदूरों ने एडिशनल लेबर कमिश्नर श्रम कार्यालय सेक्टर 3 नोएडा पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व श्रम आयुक्त और प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन एडिशनल लेबर कमिश्नर सरजू राम को सौंपा। ज्ञापन पर बातचीत करते हुए ट्रेड यूनियन नेताओं ने उन्हें यह भी अवगत कराया कि यदि दिए गए ज्ञापन पर शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो 16 जनवरी 2024 को जनपद में चक्का जाम हड़ताल की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन श्रम विभाग और प्रदेश सरकार की होगी। सूचना लिखित में प्रबंधन को भेजी, 4 तारीख को जब धरना देने गए तो प्रबंधन ने अपने उन्हीं ठेकेदारों के माध्यम से हमारी सीआईटी जिला कमेटी के अध्यक्ष और धरना स्थल पर बैठे तमाम मजदूरों के साथ में जानलेवा हमला किया उनके ऊपर, जिस कारण ही संस्थान में श्रम अशांति उत्पन्न हुई और उसके खिलाफ 6 तारीख को हम तमाम जिले जनपद में जो ट्रेड यूनियन संगठन है उनके नेतृत्व में पुलिस आयुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। आज जो हम यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, अपर श्रम आयुक्त से यही मांग लेकर आए हैं कि काम से रोके गए तमाम श्रमिकों को काम पर वापस भिजवाइए, और इंजीनियरिंग उद्योग है जिसके लिए प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की हुई है, उस अधिसूचना के अनुसार आप संस्थान में श्रम प्रवर्तन अधिकारियों की टीम भेज कर जांच करवाइए। जो ठेकेदारों के लिए जिस काम के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।